कैसा ए ना समझो ए ना समझो कि ये पुत्र मित्र ये परिवार हमारा होगा। ए ना समझो कि ये पुत्र मित्र परिवार हमारा होगा और धन दौलत ये संसार हमारा होगा। कि समझ आता नहीं, समझ आता नहीं जब काल प्राण लेता है तो गैर तो गैर क्या ये तन भी ना साथ देता है। तो फूलों पर सोने वाले जय हो ए फूलों पर सोने वाले शमशान में कोई सेज नहीं और कहां छुपा कर ले जाओगे कफन में कोई जेब नहीं। तो इसलिए कहता हूं भाई के दौलत ये दौलत भी काम आएगी तो अपने मुकाम तक, दौलत भी काम आएगी अपने मुकाम तक, औरत भी और औरत भी काम आएगी घर के द्वार तक, और साथी भी काम आएंगे तो शमशान तक, साथी भी काम आएंगे तो शमशान तक, और बेटा भी काम आएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी काम आएगा बस अग्निदान तक। और जैसे ही खोपड़िया निकली और मार के ठूसा राधे राधे, तो इसलिए कहता हूं भाई कि सारी उमरिया तो ये हो ए सारी उमरिया तो यूं ही बिताई रे और कर कर के तूने खोटी कमाई रे अब कुछ कर ले। अब कुछ कर ले अरे भजन कुछ कर ले सारी उमरिया तो यूं ही बिताई रे कर कर के तूने खोटी कमाई रे कर ले जाने कुछ कर ले अब कर ले जाने कुछ कर ले जाने कुछ कर ले। तो आदमी का जिसमें क्या है किस पे सैदा है जहां एक मिट्टी की इबारत और एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना और ईंट जिसकी हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है एक ख्याले आसिया। तो मौत की पुरजोरानी
ये मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके ये भारत खाक में मिल जाएगी। इसीलिए कहना है भाई, सारी उमरिया तो कर कर के तूने झूठी कमाई। कर्ज नर्तन का लिया था जो हो, कर्ज नर्तन का लिया था वो भी तू बिछड़ा गया, और सूत का तो जिक्र क्या है मूलधन भी खा गया, और धर्म की डिग्री हुई जब कालकुल की आएगी तो जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाए। कर करके तूने कर करके तूने खोटी कमाई रे, चुगली और चाटी की भी कोरी सफाई रे, अब कर ले भजन कुछ कर ले, अब कर ले भजन कुछ कर ले, अब कर ले भजन कुछ कर ले। मरिया रे यूं ही गवाए रे सारे प्रस्तुति। हाँ देखिए, परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री कोहानी वाले फूफा जी आपकी ओर से 101 रुपए, एवं श्री रज्जू जी साहू आपकी ओर से 101 रुपए, एवं परम आदरणीय श्री भरत जी पटेल 101 रुपए मंडल आशीर्वाद की कामना करता है, एवं श्री गोपाल पटेल आपकी ओर से 51 रुपए, एवं श्री कमलेश कहार जी आपकी ओर से 51 रुपए। मंडल आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जो जो जोरदार तालियां भैया। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना। आती है जब याद भक्ति की दर्दमयी कहानी, तो करुणा से दिल भर आता है, रुक जाती है वाणी। कि ना तो माने हृदय लगा कर एक दिन दूध पिलाया, और नहीं पिता ने गोदी ले अपना लाल खिलाया। तो पैदा होते ही चल बसे स्वर्ग राजा रानी, और पाला दाई ने कुछ दिन
फिर उस पर भी मौत रिसाए। तो दर दर टुकड़े फिरे मांगता रहा न कोई ठिकाना, वो बाहरी किस्मत क्या कहना है तेरा गजब फसा। तो इस तरह भक्त चंद्रहास पैदा होते ही अनाथ हो गए। योग की बात कि जब दाई ने उनका पालन पोषण किया तो कुछ रोज के बाद सर्प के काटने से जो माता दाई बनी थी वो भी खत्म हो गई। आगे क्या होता है, अब भीख मांगते हुए चंद्रहास एक रोज अपने पिताजी की राजधानी में अनायास पहुंच गए। तो वहां वो दष्टबुद्धि महाराज राजगादी पर विराजे थे। देख करके चंद्रहास को गले से लगाया, कहा बड़ा सुंदर बालक है। इतने में एक ज्योतिषी महाराज आ गए वहां और उन्होंने कहा कि ये बालक किसका खिला रहे होते। कहा क्या मालूम, भीख मांगने आया था, बड़ा सुंदर सा चेहरा लगा तो उठा, मैंने गोदी में उठा लिया। कहा वो तो ठीक है, परंतु यही बालक एक दिन इसी नगर का राजा बनेगा। और एक कहा बिल्कुल गलत, कैसा तुम्हारा ज्योतिष है, बिल्कुल झूठ बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहा नहीं ऐसा ही होगा। कहा अगर ऐसी बात है तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जल्लादों को हुक्म दे दिया, कहा ले जाओ इसको जंगल में और खत्म करके इसको और मुझको निशानी लाके दिखाओ। अब जल्लाद लेके जाते हैं जंगल में और जब तलवार चंद्रहास की गर्दन पर उठाते हैं तो तलवार गर्दन पे न चल के और म्यान के अंदर घुस जाती है। जल्लादों ने बार बार उपाय किया मगर तलवार नहीं चली। तो यहां फिर एक कवि लिखता है कि भाई कोई नहीं है, अरे कोई नहीं है इस दुनिया में उसे मारने वाला, कोई नहीं है इस दुनिया में अरे उसे मारने वाला, ये जिसका हरी है हजार हाथ बाला वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ बाला। अरे इस दुनिया में उसे मारने वाला जिसका हरी है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला। कोई नहीं है इस दुनिया में उसे मारने वाला जिसका हरी है हजार। रह गए दंग के मारने वाले जब ये करिश्मा देखा, जब ये करिश्मा देखा। मारने वाले जब ये करिश्मा देखा,
भाई। रह गए दंग मारने वाले जब ये करिश्मा देखा, जब ये करिश्मा देखा। कई होती है मान गए बा, कई होती है अमित कर्म की रेखा, अमित कर्म की रेखा। मान गए बा कई होती है अमित कर्म की रेखा, अमित कर्म की रेखा। मान गए बा कई होती है अमित कर्म कर्म रेख में हाँ कर्म रेख में अरे कोई नहीं है, अरे मेघ लगाने वाला जिसका हरी है बिल्कुल परेशान हो गए जल्लाद और देखा कि अब क्या करें, निशानी दिखाना है ले जाके। तो चंद्रहास के एक हाथ में 6 उंगलियां थी, तो एक उंगली जल्लादों ने काट करके और ले जाके दृष्टबुद्धि को दिखला दिया। मगर विधि का विधान टल नहीं सकता, तो क्या होता है। अनायास खेल निराले तेरे ईश्वर कोई समझ ना पाया, कोई समझ ना पाया। खेल निराले जंगल में देखो एक शिकारी आया, एक शिकारी आया। लगा लिया लगा लिया लगा लिया सीने से देखो, अरे बालक भोला भाला जिसका हरी है हजार, हाथ वाला हरी है हजार, हाथ वाला
है, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर प्रस्तुति, देखिए परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री ललित जी पटेल परसाई पिपरिया वाले आपकी ओर से 201 रुपए मंडल आशीर्वाद की कामना करता है, एवं खिमाने वाले फूफा जी आपकी ओर से 101 रुपए, एवं कुआनी वाले